नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एजिलैक एसिड क्रीम का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एजिलैक एसिड क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और एजिलैक एसिड क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एजिलैक एसिड क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एजिलैक एसिड क्रीम का उपयोग मुख्य रूप से चेहरे पर पिंपल्स व मुहासों की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। एजिलैक एसिड क्रीम पिंपल्स और मुहासों के लिए जिम्मेवार बैक्टीरिया को मारती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एजिलैक एसिड क्रीम को कैसे लगाना रिकमेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एजिलैक एसिड क्रीम को दिन में 2 बार सुबह व शाम को लगाने की सलाह देते हैं। एजिलैक एसिड क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने हाथों व चेहरे को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। आप अपने चेहरे को फेस वॉश या साबुन की मदद से भी धो सकते हैं और उसके बाद आपको अपने हाथों और चेहरे को एक साफ कपड़े की मदद से साफ कर लेना चाहिए और चेहरे को कम से कम 10 मिनट अच्छी तरह सुखाने के बाद एजिलैक एसिड क्रीम की एक पतली लेयर चेहरे के प्रभावित एरिया पर लगानी चाहिए। एजिलैक एसिड क्रीम को एक उंगली की मदद से हल्के हाथ से फैला कर लगाना चाहिए और एजिलैक एसिड क्रीम को ज्यादा रगड़ कर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो एजिलैक एसिड क्रीम की वजह से त्वचा में जलन, त्वचा में लालपन, त्वचा में खुजली और त्वचा में सूखापन हो सकता है। अगर आपकी त्वचा में सूखापन ज्यादा होता है तो आप दिन के समय में वैसलीन या कोई अन्य मॉइस्चराइजर क्रीम लगा सकते हैं ताकि आपकी त्वचा में सूखापन, खुजली और जलन ज्यादा न हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि एजिलैक एसिड क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एजिलैक एसिड क्रीम को आँख, नाक और मुंह के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए। एजिलैक एसिड क्रीम को किसी घाव के ऊपर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर एजिलैक एसिड क्रीम को लगाना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए एजिलैक एसिड क्रीम को घाव के ऊपर या घाव के आसपास नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको एजिलैक एसिड क्रीम को 12 सप्ताह लगातार लगाने के बाद भी मुहासों की समस्या में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है तो आपको डॉक्टर से दोबारा परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट में बदलाव कर सकता है। वैसे एजिलैक एसिड क्रीम प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी एजिलैक एसिड क्रीम को लगाना सुरक्षित है। वैसे एजिलैक एसिड क्रीम मां के दूध में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है, लेकिन इसकी वजह से दूध पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किए गए हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एजिलैक एसिड क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।